How are you all? I am fine and hope the same for you also. अच्छा बेबीज मुझे ये बताओ, अलमास मैन ने एबीसी चैनल क्यों बनाया है? पता है आपको? अलमास मैन ने इसलिए बनाया है ताकि there are many schools in all over the world. और schools में there are different types of boards like the CBSC, SSC, ICSC, IGCSC and many more. और बेबीज ये जो बोर्ड्स है ना, ये सब बच्चों को अवेलेबल नहीं होता है. दैट इज व्हाई अलमास मैन ने क्या किया है, आई मेड अ ट्रिक. मैंने सारे बोर्ड्स में से कुछ कॉमन फैक्टर्स को सिलेक्ट किया है एंड आई हैव मेड अ नर्सरी सिलेबस. आपको पता है नर्सरी सिलेबस क्यों बनाया है? क्योंकि सबसे पहले बच्चे लोग नर्सरी स्कूल में जाते हैं, नर्सरी क्लास पढ़ते हैं, है ना, और फिर आगे की क्लासेस पढ़ते हैं. दैट इज व्हाई अलमास मैम हैज मेड अ नर्सरी सिलेबस. ओके एंड लेट अस सी व्हाट आई हैव मेड फॉर यू. करेक्ट एज फॉर नर्सरी इज 3 to 4 इयर्स. नाउ लेट अस बिगिन विद द नर्सरी सिलेबस इन विच फर्स्ट कम्स द ओवरऑल डेवलपमेंट इन विच वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स. फर्स्ट इज द ग्रॉस मोटर स्किल्स. नाउ व्हाट आर ग्रॉस मोटर स्किल्स बेबीज? ग्रॉस मोटर स्किल्स में वी हैव द हॉपिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग एंड वॉकिंग. नेक्स्ट कम्स द फाइन मोटर स्किल्स. इन फाइन मोटर स्किल्स द फिंगर, थंब एंड हैंड्स आर यूज्ड एंड द एक्टिविटीज विच आर टेकन अंडर फाइन मोटर स्किल्स आर फिंगरप्रिंटिंग, बीडिंग, ब्लॉक एंड पजल मेकिंग एंड पेपर टेयरिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिव डेवलपमेंट. इन दिस टॉपिक चिल्ड्रन आर मेड टू डू फ्री हैंड ड्रॉइंग, प्रिंटिंग एंड इवन कलरिंग. दे कैन यूज द सीजर्स फॉर कटिंग बट नॉट द सीजर विच मम्मी एंड डैडी यूज. यू कैन यूज द प्लास्टिक सीजर्स अवेलेबल इन द मार्केट. ओके माई बेबीज, वॉट इज मेंट बाय ऑल दिस? इससे आपको क्या समझ में आया? फॉर कलरिंग यू कैन टेल योर मम्मा और योर डैडी टू मेक अ ब्यूटिफुल ड्रॉइंग एंड कलर इट ब्राइटली विद बोल्ड कलर्स. फॉर प्रिंटिंग यू कैन यूज योर फिंगर प्रिंटिंग, डिप करो उसको कलर में एंड पुट इट ऑन द पेपर. टेल मम्मा टू मेक अ नाइस पिक्चर फॉर यू एंड फिल इट विथ योर फिंगर, दैट इज फिंगर प्रिंटिंग. देन यू नो वेजिटेबल प्रिंटिंग भी एक चीज है बेबी, इट इज अ ब्यूटिफुल टेक्निक. और उसमें वेजिटेबल्स आप कौन सी यूज कर सकते हैं? वन इज अ पोटेटो, सेकेंड इज अनियन एंड थर्ड इज माई फेवरेट वेजिटेबल, दैट इज लेडीज फिंगर, भिंडी. सो यू कैन पुट, डिप इट इन द कलर एंड पुट इट ऑन पेपर, ब्यूटिफुल डिजाइन्स कम्स आउट. लास्ट इज द सीजर. यू कैन टेल मामा टू फोल्ड द पेपर फॉर यू और यू कैन ऑल्सो फोल्ड द पेपर. ऐसे फोल्ड करना आपको 2-3 बार एंड यू कैन कट इट, ब्यूटिफुल फ्रिल कैन बी मेड. ओके सो यू कैन लर्न मेनी टेक्निक्स इन क्रिएटिव डेवलपमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. सोशल मतलब जो हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. और इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट वो होता है जब हम उस चीज में जाते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छा ये फेस्टिवल को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे. इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, जब हम उसमें कनेक्ट होते हैं वी स्टार्ट इंजॉयिंग. हम ये सोचते हैं कि अच्छा दिवाली अब आएगी, ईद अब आने वाली है. और बेटा कैलेंडर्स में भी देखो मार्क रहते हैं. सो वी गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडर्स. दादा दादी मम्मी पापा से पता चलता है. दैट इज ऑल कनेक्टेड इन द इमोशनल डेवलपमेंट. दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज द जनरल अवेयरनेस. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज GK, जनरल नॉलेज. इन दिस टॉपिक many points are covered like the fruits, vegetables, about myself, parts of the body, shapes, colors, community helpers, vehicles and many more. It is a very vast topic, babies.
Babies, this was all for the nursery syllabus. I hope it will be beneficial for you all. And babies, there will be more learning videos dropping in soon. So be connected with me and my ABC channel. Till then, take care. Bye-bye.